Myself is Sunil Kumar. I teach mathematics for foundation classes. Or dear students, welcome to the Vinayak Classes YouTube channel. Today I discussion about topic maximum and minimum values of algebraic expression. This topic important for JEE, NDA or general competition exam also. तो मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन के बारे में बात करेंगे. तो इसमें थ्री टाइप्स के मीन होते हैं जो यूज होते हैं. हम जानते हैं कि मीन थ्री टाइप्स होते हैं. तो अर्थमेटिक मीन होता है, ज्योमेट्रिक मीन होता है एंड हार्मोनिक मीन होता है. तो अर्थमेटिक मीन में ये होता है कि जितने नंबर हैं वी एड ऑल नंबर्स, सभी नंबर्स को हम ऐड करते हैं और जितने नंबर हैं उनसे डिवाइड कर देते हैं. ये अर्थमेटिक मीन का फॉर्मूला होता है. नेक्स्ट ज्योमेट्रिक मीन, इसमें जितने नंबर हैं उनको मल्टीप्लाई करते हैं और उनका हम रूट लेते हैं. और हार्मोनिक मीन जो अर्थमेटिक मीन है उसका जस्ट रिवर्स काम करता है. तो इसमें एन आएगा और वन अपॉन ए वन जो सीरीज है वन अपॉन ए वन, वन अपॉन ए टू, वन अपॉन ए एन की फॉर्म में रहती है, इस कारण ये आएगा. हम देखते हैं कि अर्थ ए एम और जी एम और एच एम में बिटवीन रिलेशन क्या रहता है इनके बीच में. ओ सबसे की कंसेप्ट इस टॉपिक का ये है कि इसमें रिलेशन क्या रहता है. तो रिलेशन बिटवीन ए एम, जी एम एंड एच एम. तो इसमें हम कोई भी पॉजिटिव नंबर कंसिडर करते हैं. जैसे कि हमने नंबर कंसिडर किया ए इक्वल टू टू एंड बी इक्वल टू एट. पॉजिटिव नंबर ही क्यों लेंगे, क्योंकि जब हम इसका ज्योमेट्रिक मीन निकालते हैं रियल नंबर में बात कर रहे हैं क्यों, तो फिर वो नेगेटिव नंबर का हम जब रूट लेते हैं तो वो कॉम्प्लेक्स आ जाता है और जो इस रियल नंबर में डिफाइन नहीं है, इस कारण हम इसमें पॉजिटिव नंबर ही लेते हैं. तो हम a इक्वल टू टू और b इक्वल टू एट कोई भी पॉजिटिव रियल नंबर लिया तो इसका अर्थमेटिक मीन बाय फॉर्मूला हम जानते हैं, दोनों नंबर को ऐड करो और जितने नंबर उनसे डिवाइड करो तो 5 आएगा. जब इसका हम ज्योमेट्रिक मीन निकालेंगे तो जितने नंबर हैं उनको मल्टीप्लाई करेंगे, यानी दो नंबर हैं उनको हम मल्टीप्लाई करेंगे 2 × 8 और इनका स्क्वायर रूट लेंगे. क्योंकि दो नंबर हैं जितने नंबर हैं उनकी पावर स्क्वायर रूट लेंगे तो 16 का 4 होगा. अगेन अर्थमेटिक मीन हो गए, ज्योमेट्रिक मीन हो गया. हम हार्मोनिक मीन के बारे में बात करते हैं. तो हार्मोनिक मीन है जितने नंबर हैं, दो नंबर हैं उनको न्यूमरेटर में लिखते हैं और जो नंबर हैं उनको 1/a1 की फॉर्म में लिखते हैं. बाई फॉर्मूला वी नो दैट, तो 1/2 + 1/8. तो हम इसको सोल्व करेंगे तो ये 3.5 आएगा. तो इस प्रकार ए एम, जी एम, एच एम की वैल्यू सेम नंबर के लिए, एक के लिए 5 आती है, दूसरे के लिए 4 आती है और एच एम के लिए 3.5 आती है. तो हम देखते हैं कि ए एम इज़ ग्रेटर है जी एम से और जी एम सॉरी ए एम इज़ ग्रेटर है जी एम से और जी एम इज़ ग्रेटर है एच एम से, राइट. तो इस प्रकार हम देखते हैं कि इनमें रिलेशन क्या हुआ. ए एम इज़ ग्रेटर इज़ जी एम इज़ ग्रेटर एच एम, बट ये इक्वल का साइन भी आएगा. कब आएगा, जब नंबर इक्वल होंगे. जब नंबर हम इक्वल चूज करेंगे तो ए एम, जी एम और एच एम की वैल्यू इक्वल भी आएगी. जैसे हमने कोई भी नंबर लिया तो ए इक्वल टू टू लिया, 5 लिया और बी इक्वल टू 5 लिया, ए इक्वल टू 5 लिया, बी इक्वल टू 5 लिया, तो जो ए एम आएगा तो 5 + 5 / 2 10/5. जबकि जी एम क्या आएगा, जी एम भी 5 × 5 का स्क्वायर रूट तो 5 आएगा. जब एच एम भी दो नंबर हैं 1/5 + 1/5 तो 5 आएगा. यानी कि जब नंबर बराबर रहते हैं तो ए एम और जी एम और एच एम इक्वल रहते हैं. तो इसमें एक रिलेशन क्या हुआ कि ये बराबर भी होंगे. ये कब काम करेगा, ये कब होल्ड करेगा, जब नंबर इक्वल होंगे. तो इस प्रकार हम देखते हैं कि ए एम, जी एम और एच एम में रिलेशन ये रहता है. नेक्स्ट हम देखते हैं कि जब हम देखते हैं कि इसमें इन दोनों का मल्टीप्लाई करते हैं और
इसका स्क्वायर करते हैं तो इक्वल प्राप्त होता है, मतलब 5 × 3.5 = 4² तो 16 = 16, राइट। तो ये रिलेशन भी रहता है, मतलब ये तो AM का वैल्यू था यहाँ से देखो, और ये 3.5 HM का वैल्यू था और 4 GM का वैल्यू था। तो इस प्रकार देखते हैं कि नया एक और रिलेशन आता है कि A × H = G², इस प्रकार एक रिलेशन और आता। इस प्रकार दो टाइप के रिलेशन रहते हैं इनमें, AM, GM, HM में। और इस कंसेप्ट पे, ये की कंसेप्ट है, इस पे बेस पे हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे कि किस प्रकार से क्वेश्चन बनते हैं। तो हम देखते हैं कि क्वेश्चन किस प्रकार बनते हैं। एक बेसिक टॉपिक है ये, जो 11th क्लास की बुक में सीक्वेंस एंड सीरीज में आया है। तो हम देखते हैं इस पे क्वेश्चन देखते हैं एग्जांपल, इसी की कंसेप्ट के आधार पर हम ढेर सारे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। सबसे पहले बेसिक सा क्वेश्चन ले रहा हूँ कि हमें गिवन है कि A + B = 16 है, गिवन है, ये हमें गिवन है। और हमें मैक्सिमम वैल्यू अधिकतम वैल्यू A × B की फाइंड करवा रहे हैं। A × B की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, तो हम पहले इसको डिटेल यानी कि फॉर्मूला से बनाते हैं कि हम जानते हैं कि AM इज़ ग्रेटर इक्वल टू GM, ये रिलेशन हमने अभी देखा, यहाँ पे होल्ड करेगा ये। तो AM का फॉर्मूला क्या होता है, A + B दो नंबर के लिए A + B/2 > GM का क्या होगा, A√B हम मल्टीप्लाई करते हैं उनको सभी नंबर को और उनका स्क्वायर रूट लेते हैं, राइट। तो हमें A + B = इसका वैल्यू गिवन है ऑलरेडी, 16 गिवन है, सो 16/2 इज ग्रेटर इक्वल टू √AV का स्क्वायर रूट। तो एट आया तो A√B का स्क्वायर रूट, तो हम बोथ साइड स्क्वायर करते हैं, रूट हटाएंगे इसके लिए, तो 64, यानी A√B का वैल्यू मैक्सिमम वैल्यू कितना आया, 64, यानी कि A√B का मैक्सिमम वैल्यू 64 आएगा, उससे लेस कुछ भी आ सकता है लेकिन 64 से ऊपर नहीं जाएगा। इसको हम जल्दी कैसे सोच सकते थे, हाउ कैन थिंक क्विकली, इसको जल्दी कैसे सोच सकते थे, राइट। तो हम जानते हैं कि जब दो नंबर का मल्टीप्लाई मैक्सिमम कब आएगा, ये है डिटेल में, हम जल्दी कैसे सोच सकते थे, इसको लॉजिक बोलते हैं हम, इसको जल्दी ऐसे सोच सकते थे। अब मैं आपको कोई भी नंबर चूज करो, 1 to 5 में चूज एनी नंबर, तो मल्टीप्लाई कब मैक्सिमम होगा 1 to 5 में, जब नंबर आपने चूज किया 4, मैंने और 3 चूज किया तो 12 आएगा, लेकिन मैं जब दोनों नंबर इक्वल होंगे यानी कि 5 होंगे, तब इस नंबर के कोई भी नंबर का हम 1, 2, 3 and 4 में जब कोई भी दो नंबर चूज करेंगे तो 5 and 5 रहेगा, तब मैक्सिमम मल्टीप्लाई 25 आएगा। मैक्सिमम मल्टीप्लाई तब आएगा जब दोनों नंबर इक्वल होंगे, ये हमने ये लॉजिक देखा। ये दिख रहा है कि दो नंबर जब इक्वल होंगे तो A × B का वैल्यू मैक्सिमम आएगा, राइट। तो हम यही बात यहाँ अप्लाई करेंगे इस क्वेश्चन में, तो A× B का मैक्सिमम वैल्यू कब आएगा, जब दो नंबर इक्वल होंगे, राइट। तो हमें गिवन है कि A + B = 16 है, ये गिवन है, राइट। तो A + B = 16 है और हम जानते हैं A × B इक्वल होना चाहिए, A × B का मैक्सिमम वैल्यू कब आएगी, जब इक्वल हो A और B। इट मीन्स यही बात इधर लगाएंगे, A + B = 16 है और दोनों नंबर इक्वल होंगे तब मैक्सिमम वैल्यू प्राप्त होगी, यानी A = B होगा तब मैक्सिमम वैल्यू प्राप्त होगी। मीन्स A की जगह तो A रहेगा, B की जगह भी A पुट किया तो 16, तो 2A = 16, तो A = 8 है, और A = 8 आया तो B = 8 ही होगा, राइट। तो A × B का वैल्यू मैक्सिमम वैल्यू 8 × 8 = 64 आएगा। ये हम विदाउट फॉर्मूले जल्दी सोच के कर सकते थे, ये बात हम ढेर सारे क्वेश्चनों में अप्लाई करेंगे, अभी और एग्जांपल करेंगे उनमें। तो अब इसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, इसके बाद हम नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। कि हमें गिवन है कि A + B + C = 18 है और सेम
इसी कंसेप्ट पे बेसिक एग्जांपल ले रहा हूँ अभी, उसके बाद हम लेवल बढ़ाएंगे, जेई मेंस के भी क्वेश्चन करेंगे इसी जो पिछले प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं इसी कंसेप्ट पे। तो हम पहले बेसिक क्वेश्चन करते हैं जैसे हमारा कंसेप्ट क्लियर हो। ए प्लस बी इक्वल टू 18 गिवन, और मैक्स वैल्यू पूछ रहा है, मैक्स वैल्यू किसकी पूछ रहा है, ए क्रॉस बी क्रॉस सी की, इसका मैक्स वैल्यू पूछ रहा है। तो हम डिटेल में नहीं करेंगे, डिटेल में तो यू नो दैट कि ए एम इज़ ग्रेटर देन इक्वल जी एम, राइट। तो ए एम तो ए प्लस बी प्लस सी डिवाइड बाई थ्री, थ्री डिवाइड क्यों करेंगे क्योंकि तीन नंबर इसलिए डिवाइड थ्री होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू ए डॉट बी डॉट सी का क्यूब रूट आएगा, राइट। तो इस प्रकार इस फॉर्मूले से डिटेल में ऐसे कर लेंगे, ए प्लस बी इक्वल टू 18 गिवन है, डिवाइड बाई थ्री का क्यूब रूट आएगा ए क्रॉस बी क्रॉस सी। तो देन इसको सोल्व करते हैं तो सिक्स आएगा और इसका क्यूब रूट ए डॉट बी डॉट सी। तो हम बहुत साइड क्यूब करते हैं क्यूब रूट उठाने के लिए, तो 216 ए डॉट बी डॉट सी, यानी ए डॉट बी डॉट सी की मैक्स वैल्यू 216 आएगी या उससे लेस आएगी। तो हम डिटेल में ना करके हम लॉजिक देखते हैं। तो ए क्रॉस बी क्रॉस सी का मैक्स वैल्यू कभी कब प्राप्त होता है, प्रीवियस एग्जांपल में हमने देखा था जब नंबर बराबर होते हैं तब ए क्रॉस बी क्रॉस सी का मैक्स वैल्यू प्राप्त होता है। इट मीन्स सेम लॉजिक इस एग्जांपल में भी अप्लाई करेंगे। तो ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी ये गिवन है, उस कंडीशन में अप्लाई करेंगे, इट मीन्स 3a इज इक्वल टू 18 होगा और a इज इक्वल टू 6, a इक्वल टू 6 इट मीन्स b इक्वल टू 6 एंड c इक्वल टू 6। तो हम डायरेक्ट इस प्रोडक्ट a क्रॉस b क्रॉस c में लगाएंगे तो 6 × 6 × 6 216। इस प्रकार हम डायरेक्ट जल्दी ऐसे सोच सकते थे इसको। और बाकी a m इज ग्रेटर देन इक्वल टू जी एम, ये बेसिक कंसेप्ट ये डिटेल में देगा। इसी प्रकार हम अच्छे क्वेश्चंस और डिस्कस करते हैं। ये प्रीवियस ईयर का एनडी का क्वेश्चन का है, वो अभी करवा रहा हूँ आपको मैं। ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी इक्वल टू 1 गिवन है, देन फाइंड मैक्स वैल्यू। तो देन फाइंड मैक्स वैल्यू ए बी बी सी सी डी प्लस डी ए, हमें इसकी मैक्स वैल्यू फाइंड करनी है। सेम लॉजिक, जब मैक्स वैल्यू कब प्राप्त होती है, जब नंबर्स इक्वल होते हैं तब प्राप्त होती है। तो इसमें हम लॉजिक से कर रहा हूँ, तो ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी इक्वल टू डी, जब चारों नंबर बराबर होंगे तब इसकी मैक्स वैल्यू प्राप्त होगी। तो इसमें गिवन कंडीशन में ये हम पुट करेंगे तो 4a इक्वल टू 1 होगा, तो a इक्वल टू 1/4 होगा, राइट। a इक्वल टू 1/4 होगा, b इक्वल टू 1/4 होगा, c इक्वल टू 1/4 होगा और d इक्वल टू भी 1/4 होगा। हम यही कंसेप्ट इसमें अप्लाई करते हैं। तो a का वैल्यू हम जानते हैं 1/4 प्लस 1/4 इसमें पुट करते हैं, और प्लस 1/4 इंटू 1/4 प्लस 1/4 इंटू 1/4 प्लस 1/4 इंटू 1/4, राइट। तो हियर इज 16 प्लस 1/16 प्लस 1/16 प्लस 1/16, 16 को हम एलसीएम लिया और 1 + 1 + 1 + 1 ये मीन 4, तो इट मीन्स 1/4, इसकी वैल्यू 1/4 आई, राइट। तो ये एनडीए का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन था, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था। दिस कंसेप्ट जो हमने अभी कंसेप्ट को डिस्कस किया उसी कंसेप्ट पे बेस्ड था, अच्छा क्वेश्चन था। अभी देखते हैं और अपना लेवल बढ़ाते हैं, पहले बेसिक क्वेश्चन किए और ये अच्छा क्वेश्चन था उनमें। अभी नया क्वेश्चन देखते हैं। तो इसी कंसेप्ट पे हम क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं, केवल इसी कंसेप्ट, उसको बताया कि ये किस प्रकार हमें प्राप्त हुआ और इसमें आपस में क्या रिलेशन रहता है। हमने नंबर चूज किए, कोई दो नंबर, कोई भी लेट पॉजिटिव दो नंबर, और उनको हमने देखा कि रिलेशन आपस में क्या रिलेशन रहता है बिटवीन ए एम जी एम एंड एच एम में। उसी कंसेप्ट पे हम क्वेश्चन कर रहे हैं। अभी नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल ये है कि x + y + z =
यस एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 18 गिवन है और हमें मैक्सिमम वैल्यू एक्स माइनस वन वाई माइनस टू एंड जेड माइनस थ्री का मैक्सिमम वैल्यू इसमें हमें पूछ रहा। तो हम पहले डिटेल में करते हैं इसको, डिटेल में करते हैं कि हम ए एम इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू जी एम, ये फॉर्मूला लगाएंगे। अब इसमें जो प्रोडक्ट है उसको हम ए एम में लिखेंगे और फिर सेम प्रोडक्ट जी एम में लिखेंगे क्योंकि हमें प्रोडक्ट की वैल्यू पूछ रहा है, राइट। तो एच एम ए एम कैसे लिखेंगे, एक्स माइनस वन प्लस वाई माइनस टू प्लस जेड माइनस थ्री डिवाइड बाई थ्री, क्योंकि तीन नंबर हैं अलग अलग इसलिए तीन से डिवाइड किया। और जित इसी प्रकार इसी के लिए हम जी एम कैसे लिखेंगे, सभी नंबर्स का मल्टीप्लाई एक्स माइनस वन डॉट वाई माइनस वाई प्लस टू डॉट जेड माइनस थ्री और इनका क्यूब रूट लेंगे, राइट। तो हम इसको ऐड करते हैं तो एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू, या ये माइनस था माइनस दो था यहाँ पे, ठीक है। तो माइनस थ्री माइनस टू और माइनस वन माइनस सिक्स डिवाइड बाई थ्री और क्यूब रूट ऑफ एक्स माइनस वन वाई प्लस टू एंड जेड माइनस, ये माइनस था सो माइनस टू एंड जेड माइनस थ्री। तो एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 18 गिवन है, तो 18 माइनस सिक्स डिवाइड बाई थ्री क्यूब रूट ऑफ एक्स माइनस वन वाई माइनस टू एंड जेड माइनस थ्री का क्यूब रूट। तो 18 माइनस सिक्स डिवाइड बाई थ्री में 12 है, इस 12 है और एक्स माइनस वन वाई माइनस टू एंड जेड माइनस थ्री बोथ साइड हम क्यूब करेंगे तो 12 है का क्यूब, इस प्रकार इसकी ये मैक्सिमम वैल्यू आ जाएगी। हम इसको हम डिटेल में बनाया, हम इसको हम लॉजिक से वो ही देखते हैं, लॉजिक वाला कंसेप्ट किसने जल्दी कैसे सोच सकते थे, जल्दी की तीन नंबर इक्वल होने चाहिए, राइट। अब ये नंबर इस साइड में इस फॉर्म में अलग फॉर्म में है, राइट। तो इस फॉर्म में बनाने के लिए इस नंबर को इस फॉर्म में बनाने के लिए यहाँ पे x माइनस वन होना चाहिए था, राइट, और यहाँ पे क्या होना चाहिए था, y माइनस टू होना चाहिए था और यहाँ पे z माइनस थ्री होना था, लेकिन हमने इतने को ऐड किया तो इसको राइट एल एच एस साइड में इनको सब्ट्रैक्ट इतने को जितने जोड़ा इसमें माइनस सिक्स ऐड हो गया, तो इसमें 18 में से माइनस सिक्स को लेस करेंगे तो 12 आएगा। तो इस प्रकार ये सेम फॉर्म ये प्रोडक्ट में चाहिए थी ये प्राप्त हो गए, राइट। तो इसमें हम जानते हैं कि इसका मैक्सिमम वैल्यू कब प्राप्त होगा, जब तीनों नंबर इक्वल हो, राइट। तो इसका मतलब हुआ एक्स माइनस वन इक्वल वाई माइनस टू इक्वल जेड माइनस थ्री, ये तीनों नंबर बराबर होने चाहिए तब इसका मैक्सिमम वैल्यू प्राप्त होगा। इट मीन्स थ्री एक्स माइनस वन इक्वल टू 12 है, तो एक्स माइनस वन इक्वल टू फोर एक्स माइनस वन इक्वल टू फोर वैल्यू प्राप्त है। तो फोर एक्स माइनस वन की फोर, वाई माइनस टू का भी फोर और जेड माइनस थ्री का भी फोर, तो जेड माइनस थ्री का फोर और यही हमें प्रोडक्ट में चाहिए था। तो फोर इंटू फोर इंटू फोर 64 इसका आंसर आ गया, यानी इसका मैक्सिमम वैल्यू 64 आया, इसका मैक्सिमम वैल्यू 64 आ गया, राइट। और तो ये सॉरी मैंने 18 में से 6 आएगा 12, 3 का डिवाइड करेंगे 4 आएगा और 4 के बोथ साइड हमने क्यूब किया तो 4 का क्यूब हो गया 64 आया। और 64 ही डिटेल में किया और लॉजिक से जल्दी सोचा कैसे सोच सकते हैं उसमें भी 64 आया, तो ये इसका आंसर 64 आएगा। बोथ साइड हमने क्यूब किया तो हम यहाँ पे क्यूब रूट हट गया और 4 के ऊपर क्यूब आ गया, इस प्रकार 4 क्यूब मतलब 64, इसका भी 64 इस प्रकार इस क्वेश्चन। तो इस प्रकार हम और भी अच्छे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे इस टॉपिक पे, पिछले प्रीवियस ईयर में जेई वगैरह में पूछे हुए एनडीए एयर और सभी क्वेश्चन का हम कलेक्शन लेंगे हर इस टॉपिक में। और इस प्रकार ये क्लासेज चलेंगी जेई वगैरह के लिए, तो इसमें पूरी स्कूल की बुक भी पूरी कंप्लीट होगी, जैसे एक टॉपिक पढ़ाया कॉम्प्लेक्स नंबर, तो कॉम्प्लेक्स नंबर में
पूरा कवर होगा, उसके पूरे की कंसेप्ट कवरेंगे और फिर स्कूल की बुक भी साथ साथ पैरेलल करवाएंगे, उसके भी पूरे एग्जांपल करवाएंगे जिससे बोर्ड में भी आप अच्छे मार्क्स आ सके। और इसके अलावा जेई वगैरह और एनडीए उनमें जो ढेर सारे क्वेश्चन पूछे गए उनको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को हम डिस्कस करेंगे। और थैंक यू सर, इस प्रकार आपकी ये क्लासेस चलेंगी। ओ थैंक यू डियर स्टूडेंट्स।